ये निकल के ना धूल लगा दी। नहीं काउंटर को वो तो स्प्रे इसलिए वो अंदर भी आज मैं बोले हैं आपके मतलब वो है ये नहीं बस ये हमारे जनपद में अवेयरनेस का पूरी तरह हम लोग लगे हुए हैं। सभी प्रधान जिला पंचायत के हो गए, प्रतिनिधि बीडीसी के हो गए, प्रमुख हो गए, और भी जनता के लिए काफ़ी हमारे डॉक्टर जाके पीपीटी के माध्यम से अवेयरनेस उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जहाँ भी हमारा कोई भी गैदरिंग नहीं कर रहे हैं कोई, उसके लिए मना ही किया हुआ है कि कोई भी ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो। इसके बाद हमारा डिपार्टमेंट के जितने डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, सबको ट्रेंड कर दिया गया है और एक हम लोगों ने प्लान बनाया है कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन करेंगे, अगर कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए क्या करना है। तो हम लोगों ने एक आइसोलेशन वार्ड जो हमारे 10 बेड का था जिला अस्पताल में, तो उसमें एंट्री और एग्जिट का प्रॉब्लम थोड़ा हो रहे थे, इसलिए माधवाश्रम में 30 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जो पूरी तरह ठीक है। और पीएससी सीएससी में 2-2 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। तो कोई ऐसा संदिग्ध मामला नहीं है, जो बाहर से आ रहे हैं हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और कोई सस्पेक्टेड केस भी नहीं है। अगर होंगे कोई तो उसी के लिए ही आइसोलेशन बनाया गया है। तो हमारे नॉलेज में ऐसा नहीं है कोई जो संदिग्ध हो। जो सबसे बड़ा हमारा आइसोलेशन की जो फैसिलिटी है माधव आश्रम है, यहाँ पे जो इसकी एंट्री है, यहाँ पे हमारी एक चार की गार्ड आज से खड़ी हो गई है, और जो भी यहाँ पे आएगा और वहाँ पे एक लॉग रजिस्टर मेंटेन किया गया है, उसमें उसका इंदराज होगा कि कौन आया है, किस पर्पज़ से आया, कितने बजे आया, कितने बजे जाएगा। और इस कंपाउंड की सुरक्षा व्यवस्था कि कोई भी जिसकी कोई ड्यूटी नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है, उसका एक्सेस नहीं होगा इस फैसिलिटी में। इसके अलावा 12 तारीख से लॉकडाउन है, और कंट्रीज के लोग नहीं आ सकते एक्सेप्ट नेपालीज। इंडियंस जो बाहर से आ रहे हैं और देशों से आ रहे हैं वापस, क्योंकि हमारे जनपद के भी बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, वैसी सूचना अगर पुलिस को किसी माध्यम से मिलती है या फॉर्म CLIU के माध्यम से मिलती है कि कोई फॉरनर है हमारे एरिया में, तो हम उसमें तत्काल CMO साहब को सूचना देंगे, ये निर्देश जारी किए गए, और एक डॉक्टर्स की टीम जाके उसको ऑब्जर्व करेगी, और कोई बाहर से आया है अगर कोई सिम्टम नहीं है तो क्वारंटाइन, जैसे होम क्वारंटाइन में रखना है उसको। होम क्वारंटाइन में रखने के लिए भी अगर वो कहते हैं कि पुलिस की आवश्यकता है तो वहाँ पर पुलिस डिप्लॉय की जाएगी। माधव आश्रम के अलावा गुप्तकाशी अगस्त मुनि में भी आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं, तो वहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे ही अगर कोई सस्पेक्ट आता है, वहाँ पेशेंट आता है, तो वो पुलिस का कंट्रोल रूम का नंबर शेयर किया गया है, वो तत्काल बताएंगे और वहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस वहाँ पे चली जाएगी। इसके अतिरिक्त मक्कू बैंड और जौड़ी बाईपास पे पुलिस पिकेट्स लगा दी गई हैं, और जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं सबका डिटेल चेक हो रहा है कि कौन विजिटर्स हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, और यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं तो कितने दिन का स्टे है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की। देखिए, जो पर्यटक आ रहे हैं उसमें क्योंकि श्री केदार के धाम के कपाट तो भी बंद हैं, और चोपता में अभी पर्यटकों की एंट्री नहीं ली जा रही है और उनको वापस कर दिया जा रहा है। पर्यटकों की संख्या भी बहुत कम है, और उसमें जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग जो है, इनके द्वारा भी एक आदेश पीछे जारी हुआ था कि चोपता में पर्यटक स्थल में पर्यटकों की आवाजाही ना हो, तो उसके रेफरेंस में भी उधर पर्यटकों को नहीं जाने दिया जा रहा है। पचास पचास
बंद कर दो। हाँ ये निकल के ना फूल लगा दिए। एम्बुलेंस की टीम है उसको पर दोनों अलर्ट हो जाए और एम्बुलेंस को सिट पे तो पेशेंट ने कान में चलने की स्थिति में नहीं उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया लेकिन एम्बुलेंस का भी प्रोटोकॉल है पता नहीं वो क्या प्रोटोकॉल में नहीं रहता तो सभी सीएससी इंचार्ज इस चीज को बिल्कुल गौर से नोट कीजिएगा या आपको प्रोटोकॉल में भी दिखेगा क्या सस्पेक्टेड है तो उसके लिए सब कुछ सेपरेट होना चाहिए दो एंट्रेंस एरिया है अगर वो थर्मल स्क्रीनिंग में ये पता चल जाता है कि उसको वो सस्पेक्टेड केस है डॉक्टर गरुड़ ने उसको दूसरे रूम में देखा किसी और ओपीडी में उसके जाने का रास्ता भी अलग था तो जैसे ही थर्मल स्क्रीनिंग में और सिम्टम से और ट्रैवल हिस्ट्री से ये क्लियर हो गया कि ये बंदा हो सकता है सर आप जब सुबह बाहर स्क्रीनिंग कर रहे हैं उस रूम को जिसमें कि ये लोग और डॉक्टर साकिब के द्वारा हम लोग निकलवा रहे हैं जितने एडवाइजरी है उसको जो हेल्थ प्रोफेशनल है उनकी ट्रेनिंग कर दी है सभी लोगों को गाइडलाइंस जो भारत सरकार से आ रही हैं या स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड सरकार से आ रही है उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है हम लोगों ने 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से दूरी पर माधवाश्रम कोटेश्वर हॉस्पिटल है उसमें स्थापित किया है उसमें सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली हैं यहाँ पर ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं और कल से ये प्रॉपरली फंक्शन में भी आ जाएगा हम लोग लगातार उन व्यक्तियों पर नज़र रखे हुए हैं जो बाहर से आ रहे हैं और उनको होम क्वारंटीन के लिए भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं और अगर कोई ऐसा केस आता है भविष्य में जिसमें कि क्वारंटीन की आवश्यकता होगी तो हम लोगों ने गढ़वाल मंडल विकास निगम का हमारा गेस्ट हाउस रुद्रप्रयाग में है उसको प्लानिंग किया है कि उसको हम लोग क्वारंटीन सेंटर के लिए इस्तेमाल करेंगे सेपरेट एम्बुलेंस हम लोगों ने नोटिफाई कर दी है आइसोलेशन वार्ड के लिए और जितने भी हमारे पीएचसी और सीएससी हैं उनमें भी हमने दो दो बेड के आइसोलेशन वार्ड बना दिए हैं इसके अतिरिक्त आम जनता को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अनावश्यक रूप से किसी भीड़ का हिस्सा ना बने ना ही बाज़ारों में अनावश्यक रूप से आए और इमरजेंसी अगर कोई है जिसमें कि बहुत आवश्यक है ट्रैवल करना तभी वो लोग ट्रैवल करें इस प्रकार के सारे गाइडलाइन हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस पर देखिए कल एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि जो हमारे चोपता तुंगनाथ सारी देवरियाताल ये जो हमारे पर्यटक स्थल है इसमें हम लोग उखीमठ में ही पुलिस के माध्यम से स्क्रीनिंग करा रहे हैं और अगर कोई यात्री बड़ी भीड़ में या वहाँ पर आना चाह रहे हैं तो उनको हम लोग वापस भेज रहे हैं हम लोग वहाँ पर नहीं आने दे रहे हैं हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आजकल इन स्थानों को सैनिटाइज रखा जाए और कोई भी बाहर से यहाँ पर ना आए जिससे कि स्थानीय लोगों में भी पैनिक ना हो इस चीज़ों पे भी हम लगातार ध्यान दे रहे हैं और जहाँ तक मंदिर का प्रश्न है हम लोगों ने कल ही ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में वहाँ पर वार्ता की है पुरोहितों से और उन लोगों ने भी कहा है कि मंदिर में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए और केवल जो धार्मिक रिचुअल्स हैं उनका ही केवल पंडितों को के माध्यम से उनको फॉलो करना चाहिए तो हम लोग इसमें ऑर्डर जारी कर रहे हैं और ओंकारेश्वर मंदिर में भी बाहरी लोगों के आने पर हम लोग प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं इसके अतिरिक्त हम लोग सभी जनपद के जितने भी तीर्थस्थल हैं या पर्यटक स्थल हैं उनको हम लोग अपने जो जनपद का एंट्री पॉइंट है जवाड़ी बाईपास पुलिस के माध्यम से वहाँ पर भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और अगर बड़े ग्रुप्स में कोई जनपद के अंदर प्रवेश कर रहा है सिर्फ घूमने के उद्देश्य से या पर्यटन के उद्देश्य से तो उनको हम लोग वापस जाने के लिए कह रहे हैं देखिए भारत सरकार से ये गाइडलाइन मिली हुई है कि सामूहिक जो गैदरिंग है जिसमें कि 50 से ज़्यादा लोग हों उनसे बचा जाए उत्तराखंड सरकार ने भी ये गाइडलाइन जारी कर रखी है तो हम लोग भी लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और कई जगहों पर ये भी देखा गया कि लोगों ने अपने कार्यक्रमों को पोस्टपोन भी किया है तो ऐसा प्रकरण अगर संज्ञान में आता है तो हम लोग भी लोगों से निवेदन करें कि यदि संभव हो तो कार्यक्रमों को पोस्टपोन किया जाए।